श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता श्रीमद् भगवद् गीता अथ अष्टादशो अध्याय निष्कर्ष। यह गीता का समापन अध्याय है। आरंभ में ही अर्जुन का प्रश्न है, प्रभु मैं त्याग और सन्यास के भेद और स्वरूप को जानना चाहता हूं। योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस पर प्रचलित चार मतों की चर्चा की, इनमें एक सही भी था। इससे मिलता जुलता ही निर्णय योगेश्वर श्री कृष्ण ने दिया कि यज्ञ दान और तप किसी काल में त्यागने योग्य नहीं है। ये मनीषियों को भी पवित्र करने वाले हैं। इन तीनों को रखते हुए इनके विरोधी विकारों का त्याग करना ही वास्तविक त्याग है, यह सात्विक त्याग है। फल की इच्छा के साथ त्याग राजस है। मोहवश नियत कर्म का ही त्याग करना तामस त्याग है, और सन्यास त्याग की ही चरमोत्कृष्ट अवस्था है। नियत कर्म और ध्यान जनित सुख सात्विक है। इंद्रियों और विषयों का भोग राजस है, और तृप्तिदायक अन्न की उत्पत्ति से रहित दुखद सुख तामस है। मनुष्य मात्र के द्वारा शास्त्र के अनुकूल अथवा प्रतिकूल कार्य होने में पांच कारण हैं। कर्ता अर्थात मन, पृथक पृथक करण अर्थात जिनके द्वारा किया जाता है, शुभ पार लगता है तो विवेक वैराग्य शम दम करण है, अशुभ पार लगता है तो काम क्रोध राग द्वेष इत्यादि करण होंगे। नाना प्रकार की इच्छाएं अर्थात इच्छाएं अनंत हैं, सब पूर्ण नहीं हो सकती, केवल वह इच्छा पूर्ण होती है जिसके साथ आधार मिल जाता है। चौथा कारण है आधार अर्थात साधन, और पांचवा हेतु है दैव अर्थात प्रारब्ध या संस्कार। प्रत्येक कार्य के होने में यही पांच कारण हैं। फिर भी जो कैवल्य स्वरूप परमात्मा को कर्ता मानता है वह मूल बुद्धि यथार्थ नहीं जानता, अर्थात भगवान नहीं करते, जबकि पीछे कह आए हैं कि अर्जुन तो निमित्त मात्र होकर खड़ा भर रहे, कर्ता धरता तो मैं हूं। अंततः उन महापुरुष का आशय क्या है? वस्तुतः प्रकृति और पुरुष के बीच एक आकर्षण सीमा है। जब तक मनुष्य प्रकृति में बरतता है तब तक माया प्रेरणा करती है, और जब वह इससे ऊपर उठकर इष्ट को समर्पित हो जाता है, और वह इष्ट जब हृदय देश से रथी हो जाता है फिर भगवान करते हैं। ऐसे स्तर पर अर्जुन था, संजय भी था, और सबके लिए इस अर्थात कक्षा में पहुंचने का विधान है। अतः यहां भगवान प्रेरणा करते हैं। पूर्ण ज्ञाता महापुरुष, जानने की विधि और ज्ञेय परमात्मा, इन तीनों के संयोग से कर्म की प्रेरणा मिलती है। इसलिए किसी अनुभवी महापुरुष अर्थात सद्गुरु के सानिध्य में समझने का प्रयास करना चाहिए। वर्ण व्यवस्था के प्रश्न को चौथी बार लेते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि इंद्रियों का दमन, मन का शमन, एकाग्रता, शरीर वाणी और मन को इष्ट के अनुरूप तपाना, ईश्वरीय जानकारी का संचार, ईश्वरीय निर्देशन पर चलने की क्षमता इत्यादि ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली योग्यताएं ब्राह्मण श्रेणी के कर्म है। शौर्य, पीछे न हटने का स्वभाव, सब भावों पर स्वामी भाव, कर्म में प्रवृत्त होने की दक्षता क्षत्रिय श्रेणी का कर्म है। इंद्रियों का संरक्षण, आत्मिक संपत्ति का संवर्धन इत्यादि वैश्य श्रेणी के कर्म है, और परिचर्या शूद्र श्रेणी का कर्म है। शूद्र का अर्थ है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ साधक जो नियत कर्म चिंतन में दो घंटे बैठकर 10 मिनट भी अपने पक्ष में नहीं पाता। शरीर अवश्य बैठा है लेकिन जिस मन को टिकना चाहिए वह तो हवा से बातें कर रहा है। ऐसे साधक का कल्याण कैसे हो?
उसे अपने से उन्नत अवस्था वालों की अथवा सद्गुरु की सेवा करनी चाहिए। शनै शनै उसमें भी संस्कारों का सृजन होगा, वह गति पकड़ लेगा। अतः इस अल्पज्ञ का कर्म सेवा से ही प्रारंभ होगा। कर्म एक ही है, नियत कर्म, चिंतन। उसके कर्ता की चार श्रेणियां अति उत्तम, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। मनुष्य को नहीं बल्कि गुणों के माध्यम से कर्म को चार भागों में बांटा गया। गीतोक्त वर्ण इतने में ही है। तत्व को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि अर्जुन, उस परम सिद्धि की विधि बताऊंगा जो ज्ञान की परानिष्ठा है। विवेक, वैराग्य, शम, दम, धारावाही चिंतन और ध्यान की प्रवृत्ति इत्यादि ब्रह्म में प्रवेश दिला देने वाली सारी योग्यताएं जब परिपक्व हो जाती हैं और काम, क्रोध, मोह, राग, द्वेषादि प्रकृति में घसीट कर रखने वाली प्रवृत्तियां जब पूर्णतः शांत हो जाती हैं, उस समय वह व्यक्ति ब्रह्म को जानने योग्य होता है। उसी योग्यता का नाम पराभक्ति है। पराभक्ति के द्वारा ही वह तत्व को जानता है। तत्व है क्या तो बताया? मैं जो हूं, जिन विभूतियों से युक्त हूं, उसको जानता है, अर्थात परमात्मा जो है अव्यक्त, शाश्वत, अपरिवर्तनशील, जिन अलौकिक गुण धर्मों वाला है, उसे जानता है और जानकर वह तत्क्षण मुझमें स्थित हो जाता है। अतः तत्व है परम तत्व, न कि 5 या 25 तत्व। प्राप्ति के साथ आत्मा उसी स्वरूप में स्थित हो जाता है, उन्हीं गुण धर्मों से युक्त हो जाता है। ईश्वर का निवास बताते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, वह ईश्वर संपूर्ण भूतों के हृदय देश में निवास करता है, किंतु माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर लोग भटक रहे हैं, इसलिए नहीं जानते। अतः अर्जुन, तू हृदय में स्थित उस ईश्वर की शरण जा। इससे भी गोपनीय एक रहस्य और है कि संपूर्ण धर्मों की चिंता छोड़कर तू मेरी शरण में आ, तू मुझे प्राप्त होगा। यह रहस्य अनाधिकारी से नहीं कहना चाहिए, जो भक्त नहीं है उससे नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो भक्त है उससे अवश्य कहना चाहिए। उससे दुराव रखें तो उसका कल्याण कैसे होगा? अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण ने पूछा, अर्जुन, मैंने जो कुछ कहा उसे तूने भली प्रकार सुना, समझा, तुम्हारा मोह नष्ट हुआ कि नहीं? अर्जुन ने कहा, भगवान, मेरा मोह नष्ट हो गया है, मैं अपनी स्मृति को प्राप्त हो गया हूं। आप जो कुछ कहते हैं वही सत्य है और अब मैं वही करूंगा। संजय, जिसने इन दोनों के संवाद को भली प्रकार सुना है, अपना निर्णय देता है कि श्री कृष्ण महायोगेश्वर और अर्जुन एक महात्मा है। उनका संवाद बारंबार स्मरण कर वह हर्षित हो रहा है, अतः इसका स्मरण करते रहना चाहिए। उन हरि के रूप को याद करके भी वह बारंबार हर्षित होता है, अतः बारंबार स्वरूप का स्मरण करते रहना चाहिए, ध्यान करते रहना चाहिए। जहां योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और जहां महात्मा अर्जुन हैं, वहीं श्री है। विजय विभूति और ध्रुव नीति भी वही है। सृष्टि की नीतियां आज हैं तो कल बदलेंगी। ध्रुव तो एकमात्र परमात्मा है, उसमें प्रवेश दिलाने वाली नीति ध्रुव नीति भी वही है। यदि श्री कृष्ण और अर्जुन को द्वापर कालीन व्यक्ति विशेष मान लिया जाए, तब तो आज न अर्जुन है और न श्री कृष्ण। आपको न विजय मिलनी चाहिए और न विभूति, तब तो गीता आपके लिए व्यर्थ है। लेकिन नहीं, श्री कृष्ण एक योगी थे, अनुराग से पूरित हृदय वाला महात्मा ही अर्जुन है। ये सदैव रहते हैं और रहेंगे। श्री कृष्ण ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं हूं तो अव्यक्त,
लेकिन जिस भाव को प्राप्त हूं वह ईश्वर सबके हृदय देश में निवास करता है, वह सदैव है और रहेगा। सबको उसकी शरण जाना है। शरण जाने वाला ही महात्मा है, अनुरागी है, और अनुराग ही अर्जुन है। इसके लिए किसी स्थित प्रज्ञ महापुरुष की शरण जाना नितांत आवश्यक है, क्योंकि वही इसके प्रेरक हैं। इस अध्याय में सन्यास का स्वरूप स्पष्ट किया गया कि सर्वस्व का न्यास ही सन्यास है। केवल बाना धारण कर लेना सन्यास नहीं है, बल्कि इसके साथ एकांत का सेवन करते हुए नियत कर्म में अपनी शक्ति समझकर अथवा समर्पण के साथ सतत प्रयत्न अपरिहार्य है। प्राप्ति के साथ संपूर्ण कर्मों का त्याग ही सन्यास है, जो मोक्ष का पर्याय है। यही सन्यास की पराकाष्ठा है। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सन्यास योगो नाम अष्टादशो अध्यायः। इस प्रकार